सो ये वैसे गाइस हर्ष एंड बैक इन द वीडियो। सो गाइस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो जो कि आप लोगों ने मेरे को सबसे ज्यादा बार पूछा है कि मैं इस पे एक वीडियो बनाऊं। सो गाइस दिस वीडियो इज फॉर ऑल द यूट्यूबर्स आउट देयर एंड जो कि अभी जिन्होंने अभी अपना चैनल शुरू किया है या फिर जिन्होंने अपना चैनल शुरू कर रखा है एंड दे आर लुकिंग फॉर अपग्रेड्स। वो चाहते हैं कि मैं अपने लाइटनिंग या फिर कैमरा अपना ट्राईपॉड कुछ अपग्रेड करूँ। सो इन दिस वीडियो आई टेल यू सम ऑफ द बजट थिंग्स विच यू कैन बाय टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ योर वीडियोज। ऑल यार गाइस ये वीडियो सबके लिए है, चाहे वो कॉमेडी चैनल हो या फिर वो टेक चैनल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेस से क्या, और जो भी यूट्यूबर्स हैं उनके पास ही शायद होनी चाहिए। और भाई गाइस ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी आपको एक आपके वीडियो को अच्छा बनाने में आपकी हेल्प करेंगी। लाइट्स हो गई, एको ना है इसलिए कुछ प्लेट्स लगाते हैं कई लोग दीवारों पर अपनी, जिससे एको बहुत ज़्यादा कम हो जाए। ऐसे तो काफ़ी सारी चीज़ें, ऐसे तो मैं आई हैव लिस्ट ऑफ थिंग्स विच हेल्प यू टू इम्प्रूव द वीडियो। सो मैं इस वीडियो में कॉन्सेंट्रेट करूँगा तीन बेसिक चीज़ों पर जो कि आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने वीडियो को अच्छा लुक देने के लिए या फिर अच्छा उसी उसको अच्छा करने के लिए। और राइट गाइस, सो पहली चीज़ है आपकी कंटेंट होनी चाहिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी। सो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आपके पास एक सिंपल सा कैमरा हो तब भी आप उसे शूट करें, मगर अगर आपकी कंटेंट अच्छी है तो आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक चैनल है यूट्यूब पर एंड उसकी कैमरा क्वालिटी और ऑडियो क्वालिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, बट जो उसकी कंटेंट है एंड ही अपलोड्स टू वीडियोस एवरी डे, उसकी जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आज उसके पास शायद 10,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। सो गाइस कैमरा और इससे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आई एम टेलिंग यू इन द स्टार्टिंग ओनली। सो गाइस सबसे पहले चीज़ होगी, सबसे बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए अपना कैमरा इंप्रूव अपने वीडियो बनाने के लिए वो है एक कैमरा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो आपका मोबाइल कैमरा भी हो सकता है, आपका DSLR भी हो सकता है या फिर आपका वेबकैम भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, एक शूटिंग डिवाइस। सो जैसे कि आप देख सकते हैं आपको आजकल कॉन्सेंट्रेट करना होगा कि आपके फोन में HD कैमरा हो, क्योंकि आजकल जियो के आने के बाद सब लोग HD वीडियोस देखना पसंद करते हैं, वो 480p वाले जमाने गए। जियो के आने के बाद मतलब काफ़ी लोग HD वीडियोस देखना प्रेफर करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैमरा है और इसका आगे भी कैमरा है, तो जो भी आपके फोन का अच्छा वाला कैमरा है पीछे का हो चाहे आगे का हो, बट बेसिकली इट शुड बी एन HD कैमरा क्योंकि आजकल काफ़ी लोग HD ही देख रहे हैं। सो गाइस आपको एक कैमरा चाहिए होगा और उससे आप शूट कर सकते हैं अपने वीडियो जो भी आपको बोलना है या फिर कुछ भी करना है, कैमरा सामने रखा एंड यू स्टार्ट शूटिंग दैट वीडियो। और जो सेकंड चीज़ है वो आपको चाहिए होगी वो है माइक, क्योंकि जो इसका माइक होता है इनबिल्ट माइक वो आम वीडियो शूटिंग के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, वो आपकी जो नॉइज़ होती है वो कैंसिल आउट नहीं कर पाता है, इसलिए आपको चाहिए होगा लैपल माइक जो कि बाहर की हवा वगैरह है या फिर कोई भी जो नॉइज़ है ये उसको कैंसिल कर देता है और फिर जो भी आपकी साउंड है जो आप बोल रहे हो सिर्फ उसी को कैप्चर करता है। जैसे कि आपको पता ही होगा मेरे पहले एक ऑडियो कितनी ज़्यादा बेकार आती थी एंड दीज डेज इट्स प्रीटी गुड। गाइस ये एप्पल माइक है, ये भी आप काफ़ी सस्ता मिल जाता है आजकल, तो मैंने 250 रुपये खरीदा था शायद से अमेज़न से। और भाई गाइस अगर आपको खरीदने में लिंक्स है इसके डिस्क्रिप्शन में। एंड सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह के माइक के बारे में बात कर रहा था आपसे, आपको पता चल गया होगा कि कितनी ज़्यादा फ़र्क है वॉइस में जब मैं इस माइक से शूटिंग करता हूँ और जब मैं इस DSLR में बोल रहा हूँ। सो जो मैं अभी ये पूरी रिकॉर्डिंग करूँगा इस वाले कैमरे से और इस एप्पल माइक की, दिस थिंग आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम द DSLR कैमरा एंड इसका भी माइक बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, इसमें भी बाहर की बहुत ज़्यादा नॉइज़ आती है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी वायर भी बहुत ज़्यादा लंबी है, इट्स अराउंड ये 1 मीटर की तो होगी बड़े आराम से। बैठ गया जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपको यहाँ पे मिल जाता है 3.5 mm का जैक एंड ये किसी भी फ़ोन में आराम से चला जाता है, क्योंकि आजकल काफ़ी ज़्यादा फ़ोन होते हैं जो 3.5 mm का जैक यूज़ करते हैं एंड बूम दिस थिंग इज़ प्रीटी कूल। बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, ये आपके माइक की तरह आपको काम कर सकता है, ऐसे आपने लगा दिया और फ़ोन को अपने सामने रख दिया एंड फ्रॉम हेयर यू कैन शूट एनीथिंग रिकॉर्ड एनीथिंग एंड सो आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल। सो ये बिल्कुल सस्ता सा माइक है, ये आपको मिल जाएगा 300 रुपये का अगर आप अमेजोन पर जाएंगे या 250 या 300 रुपये का एंड बिल्कुल बेसिक चीज़ है। यहाँ पे आपको एक क्लिप मिलती है जिससे आप अपने कॉलर में या कहीं भी इसको लगा सकते हैं ताकि वॉइस बिल्कुल सही आए, हमेशा स्टेबल वॉइस है, ऐसा ना हो कि कभी कम आ रही है और कभी ज़्यादा आ रही है। सो गाइस बिल्कुल बेसिक सा है माइक है एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज ऑल्सो प्रीटी कूल एंड दिस थिंग लिटिल थिंग इज ऑल्सो वेरी वैल्यू। सो गाइस जितनी ज़्यादा आपकी इंपॉर्टेंट होती है वीडियो की क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी ऑडियो क्वालिटी। सो ऑडियो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर आपकी वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बेशक वो HD है, बट आपकी ऑडियो अच्छी नहीं है, सो आई डोंट थिंक दैट इट विल अट्रैक्ट मच ऑफ ऑडियंस। ऑल राइट गाइस, जो अगर आपके पास अब कैमरा भी है और एक माइक भी है तो जो थर्ड चीज़ होती है वो है ट्राईपॉड। मतलब ट्राईपॉड भी इतना ज़रूरी नहीं होता है, बट अगर आपके पास कोई स्टैंड है जहाँ पे आपकी अपने आराम से अपना कैमरा स्टेबल रख सकते हो देन दैट स्टैंड विल वर्क। इनफैक्ट मेरे पास पहले अपने 6-7 महीने में कोई भी ट्राईपॉड नहीं था, मैं बिना ट्राईपॉड के शूटिंग करता था। अभी मैंने ट्राईपॉड शायद 4 महीने पहले खरीदा है, तब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑल राइट गाइस, मेरे पास एक सिंपेक्स का 333 ट्राईपॉड है, ये मैंने खरीदा था शायद से 700 रुपये का एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल। ये थोड़ी हल्की क्वालिटी का तो है बट दिस थिंग वर्क्स प्रीटी फाइन। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह का ट्राईपॉड यूज़ कर रहा हूँ, ये है सिंपेक्स का 333 ट्राईपॉड। ये सबसे बेसिक ट्राईपॉड था जो अवेलेबल था उस समय अमेजोन पर और ये सबसे चीपेस्ट ट्राईपॉड भी था जैसे कि आप देख सकते हैं एंड मेरे तो ये काफ़ी ज़्यादा काम का है एंड आई यूज़ इट फॉर ऑलमोस्ट एवरी वीडियो। सो ये काफ़ी हल्की क्वालिटी का तो है, जो इसमें जो पैन रोल्स होते हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम हार्ड है यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर से, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट अगर आप कोई स्टेबल वीडियो शूट कर रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है।
इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे शॉट्स भी आते हैं, मतलब कैमरा बिल्कुल सीधा ही रहता है बेसिकली मैं बोलूँ तो। ये काफ़ी ज़्यादा लंबा भी है वेट, लेट मी जस्ट शो यू इसकी हाइट कितनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे से नीचे दो क्लैंप्स दे रखे हैं जिसमें से ये और ज़्यादा लंबा हो जाता है अगर आपको ये ऊपर करना हो तो। वेट लेट मी जस्ट शो यू एंड सो लाइक, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैंने ये पूरा ओपन कर रखा है एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज़ वेरी लॉन्ग। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले ये सिर्फ यहाँ तक था एंड अब इसकी लेंथ हो चुकी है। एंड गाइस आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल बस ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख ही सकते हैं अब इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा बड़ी हो गई है। एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल कि कैमरा ये बिल्कुल स्टेबल रखता है मेरी सारी वीडियोस को जो भी मैं शूट करता हूँ। एंड वेट लेट मी जस्ट शो यू, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी से पूरी टेबल की लेंथ जितना हो चुका है। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये पूरे टेबल जितनी लेंथ का हो चुका है एंड आई थिंक दैट दिस थिंग इज प्रीटी कूल। एंड ऑल राइट का, जैसे कि आप देख सकते हैं इस एरिया पे आप अपना DSLR माउंट कर सकते हैं और यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंडिकेटर भी मिलता है लेवलिंग के लिए। ये बता देता है कि आपका DSLR या फिर जो भी आपने जिससे भी आप शूट कर रहे हैं वो एकदम सेंटर में है या स्ट्रेट है या नहीं। ऑल राइट गाइस, दिस वॉज माई DSLR ट्राईपॉड, दिस इज Simpex 333 एंड दिस इज अवेलेबल फॉर 600 रुपीज़ ऑन Amazon। सो अगर आपको खरीदने में पर लिंक्स हैं इसके भी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी कभी भी खरीद सकते हैं। और वाइट गाइस, सो आजकल ऐसे चाइनीज़ माउंट्स आने हैं कैमरे पे लगाने के लिए अपने, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको मैं अपने ऐसे फ़ोन पे लगा दूंगा और इससे और ये कैमरे बिल्कुल रेस्ट हो जाता है, बिल्कुल सही से सीधा खड़ा हो जाता है एंड इसकी वजह से आपका कैमरा काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है। ये चाइनीज़ माउंट भी करीब 150 या 100 रुपये के आते हैं एंड दिस थिंग्स आर ऑल प्रीटी कूल। अगर आपको ये भी खरीदने पर लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर कभी भी क्लिक कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं और आपके पास गुड कंटेंट भी है, सो आई थिंक दैट यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ ऑडियंस। और वाइट गाइस, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है लाइट्स। सो लाइट भी इतना ज़रूरी नहीं होती, अगर आपके रूम में डायरेक्टली सनलाइट आ रही है देन इट्स वेल एंड गुड। और अगर आपके रूम में कोई आपके जहाँ पे आप शूट कर रहे हैं उसके सामने ही ट्यूबलाइट या फिर CFL कुछ भी रखा हुआ है देन ऑल्सो इज वेल एंड गुड। सो आई डोंट थिंक दैट लाइट्स पे इन्वेस्ट करना अगर आपके पास, अगर आपने अभी अपना चैनल स्टार्ट ही किया है, आई डोंट थिंक उसमें लाइट्स में इन्वेस्ट करना इज गुड। आप देख ही सकते हैं पहले मैं कुछ इस तरह की लाइट चूज करता था एंड अभी मैंने कुछ दिन पहले अपना सेटअप अपग्रेड किया है एंड आई थिंक दैट लाइट्स डोंट प्ले अ ह्यूज रोल। सो अगर आपके रूम में काफ़ी अच्छी लाइटनिंग है या फिर ऑलरेडी जो CFL या फिर ट्यूबलाइट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उससे काफ़ी अच्छी लाइट्स आपके फेस पे आ रही है और जो टेबल पे कभी भी आप कैसे अनबॉक्सिंग करेंगे किसी चीज़ की उस टेबल पे अगर अच्छी लाइट है तो आई डोंट थिंक दैट इट्स अ प्रॉब्लम। और अगर सो ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि ये तीन चीज़ आप खरीद सकते हैं अपनी वीडियो को अच्छा बनाने के लिए। सो आई थिंक दैट वॉज प्रीमिटेड फॉर दिस वीडियो। सो इफ यू गाइस मेड टिल द एंड ड्रॉप अ लाइक टू दिस वीडियो एंड इफ यू वांट मेकिंग मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस हिट द सब्सक्राइब बटन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।